बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूँ शिबानी घरत। अभी आईपैड मिनी एप्पल के सबसे अंडरस्टेटेड डिवाइसेस में से एक है। साइज में छोटा लेकिन परफॉर्मेंस में तगड़ा। इसका मुकाबला दूसरे टैबलेट्स के साथ कर भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि भले ही दोनों साइज में सेम हो लेकिन परफॉर्मेंस में आईपैड मिनी डेफिनेटली उनसे बेहतर ही होगा। अभी इस साल आईपैड मिनी को एक लेटेस्ट अपडेट मिला है, तो मेरे हाथ में है 2019 का आईपैड मिनी। तो क्या ये डिवाइस आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है। फिफ्थ जेनरेशन आईपैड में 7.9 इंच का रेटिना डिस्प्ले है। ये काम करता है एप्पल के लेटेस्ट A12 बायोनिक चिप पर। प्रोसेसर का साथ देने के लिए है 3GB रैम और 64GB और 256GB के दो स्टोरेज ऑप्शन। आईपैड मिनी के रियर कैमरा में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है और 7 मेगापिक्सल का फेस टाइम HD कैमरा दिया गया है। आईपैड मिनी चलता है iOS 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर। नया आईपैड मिनी एप्पल पेंसिल भी सपोर्ट करता है। 64GB आईपैड मिनी वाईफाई वेरिएंट की कीमत है 34,900 रूपए। 64GB वाईफाई प्लस सेलुलर की कीमत है 45,900 रूपए। 256GB आईपैड मिनी वाईफाई वेरिएंट की कीमत है 48,900 रूपए और 256GB वाईफाई प्लस सेलुलर के लिए आपको चुकाने होंगे 69,900 रूपए। अभी डिजाइन में और बिल्ड में काफी स्टर्डी। ओरिजिनली जब आईपैड मिनी लॉन्च हुआ था, इसका डिजाइन कई लोगों को पसंद भी आया था, लेकिन डिजाइन के मामले में कोई भी अपडेट या फिर अपग्रेड नहीं है। आईपैड मिनी 5 इनफैक्ट बिल्कुल एग्जैक्टली आईपैड मिनी 4 की तरह ही है। मतलब जो हमने अपडेट एक आईपैड प्रो में देखा था व्हेन इट केम टू बेजललेस डिस्प्ले, वो इसमें नहीं है। बिल्कुल इसके डिस्प्ले पर बेजल्स दिए गए हैं। साथ ही अनलॉकिंग के लिए फेस अनलॉक का इस्तेमाल नहीं किया गया। बिल्कुल आपको एक टच आईडी दिया गया है, यानी फिंगरप्रिंट की मदद से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। होम बटन भी इसमें इसके डिस्प्ले पर मौजूद है। साथ ही नीचे की तरफ USB-C पोर्ट चार्जर, जो हमें चार्जिंग फैसिलिटी इनफैक्ट जो हमें iPad Pro में दिखी थी, वो इसमें नहीं है। साइड में इसके वॉल्यूम रॉकर बटन्स दिए गए हैं। तो बिल्कुल डिजाइन में कोई भी बदलाव नहीं है। 7.9 इंच का डिस्प्ले इस पर लगाया गया है। डिस्प्ले ओवरऑल काफी अच्छा है। व्यूइंग एंगल्स इसके डिस्प्ले के काफी अच्छे हैं। ऑन द गो अगर आपको वीडियो देखने का शौक है या फिर कहीं बीच पर जाकर किताब पढ़ने का शौक है, तो बिल्कुल आसानी से ब्राइट सनलाइट कंडीशंस में भी आसानी से डिस्प्ले पर सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। व्यूइंग एंगल जैसे मैंने कहा डिस्प्ले के काफी अच्छे हैं। एंड ओवरऑल जो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस है या फिर गेमिंग एक्सपीरियंस है, इसके डिस्प्ले की मदद से अच्छा लगता है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो A12 बायोनिक चिपसेट इसमें दिया गया है, सेम चिपसेट जो आपको आईफोन XS और XS मैक्स में मिलेगा। तो परफॉर्मेंस, मल्टीटास्किंग वगैरह आसानी से मैनेज करता है। कोई लैग्स, स्टटर्स, डिलेज वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट AR एप्स, यानी हाई एंड AR एप्स जैसे कि स्केच AR वगैरह भी आसानी से आप इस डिवाइस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर आर्टिस्ट या फिर फैशन डिजाइनर्स को ऑन द गो कोई डिजाइन वगैरह क्रिएट करनी है या फिर ग्राफिक डिजाइनर्स को कुछ डिजाइन बनानी है ऑन द गो, चाहे वो फ्लाइट में हो या फिर ड्यूरिंग देयर कार जर्नी, रोड जर्नी वगैरह, तो वो आसानी से कर सकते हैं उनके ग्राफिक इंटेंसिव एप्स का इस्तेमाल करते हुए भी। सो परफॉर्मेंस इस डिवाइस का काफी अच्छा है। बैटरी लाइफ लगभग 10 घंटे आसानी से चल जाती है। मल्टीपल हाई एंड एप्स आप इस्तेमाल करेंगे तो भी, बहुत ज्यादा रीडिंग भी करेंगे दिन भर तो भी आसानी से 10 घंटे से ऊपर ही इसकी बैटरी चल जाएगी। अभी फाइनली एप्पल पेंसिल, यानी एप्पल पेंसिल का सपोर्ट आईपैड मिनी में आ गया है। एक मोस्ट रिक्वेस्टेड फीचर था सारे के सारे कंज्यूमर्स का फॉर दी आईपैड मिनी, वो फाइनली आईपैड मिनी के लेटेस्ट एडिशन में आ गया है। अभी एप्पल पेंसिल के सपोर्ट के साथ क्या होता है कि कई बार
आप स्केच वगैरह तो आसानी से कर ही सकते हैं। साथ ही अगर आपको नोट्स लेने हैं कहीं कॉन्फ्रेंस में या मीटिंग में बैठकर नोट्स लेने हैं तो वो भी आप आसानी से ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एक पॉइंट है, जो फर्स्ट जनरेशन एप्पल पेंसिल है उसी के साथ कंपैटिबल है, ना कि द लेटेस्ट वन जो आईपैड प्रो के साथ लॉन्च हुई थी, जो एक मैग्नेटिक पेंसिल है उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। अभी जो फर्स्ट जनरेशन एप्पल पेंसिल है उसे आप इसके चार्जिंग पोर्ट पर अटैच करके चार्ज कर सकते हैं। तो एप्पल पेंसिल का सपोर्ट फाइनली आईपैड मिनी को मिल गया है। के लिए खासकर आप इसके रेयर कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा फोटोज वगैरह लेने के लिए इसके रेयर कैमरा का इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि आउटडोर कंडीशंस में इसके फोटोज अच्छे आते हैं। जैसे ही आप इसे डायनामिक लाइट कंडीशंस में या फिर इंडोर इसके आईपैड को लेके जाए फोटोग्राफी करने के लिए खासकर, तो आप देखेंगे कि कैमरा यानी फोटोग्राफ्स की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। जो 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है उसका परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से जो पहले वाले आईपैड मिनीज है उसके मुकाबले काफी बेहतर हो गया है। फेस टाइम वगैरह के लिए इसके फ्रंट कैमरा का यानी 7 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। iPad mini iOS आउट ऑफ द बॉक्स पर चलता है। बिल्कुल कई सारे मल्टीटास्किंग फीचर्स का आप इस्तेमाल इस डिवाइस पर कर सकते हैं, जैसे स्केचिंग वगैरह के लिए तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। साथ ही स्प्लिट व्यू वगैरह जैसे फीचर्स भी इस पर मौजूद है, यानी बिल्कुल आसानी से मल्टीटास्किंग को इनेबल करने के लिए या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट पर एडिटिंग वगैरह करने के लिए ये एक परफेक्ट डिवाइस है। 3 कलर ऑप्शंस में आपको आईपैड मिनी मिलेगा, सिल्वर, स्पेस ग्रे एंड गोल्ड। हमारे पास जो रिव्यू के लिए यूनिट आया है दैट इज स्पेस ग्रे एंड इट लुक्स क्वाइट ब्यूटीफुल। तो फाइनली क्या ये डिवाइस आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? अभी कोई भी आईपैड खरीदने से पहले आपको एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके ध्यान में होनी चाहिए कि 2 ऑप्शंस में अवेलेबल होता है, विथ वाईफाई एंड सिम सपोर्ट। तो हमारे पास जो डिवाइस आया है दैट इज विथ वाईफाई एंड सिम सपोर्ट, सो बिल्कुल आप इसमें सिम कार्ड भी डाल सकते हैं। 34,900 से iPad mini की प्राइसिंग शुरू होती है। सबसे जो बेसिक वेरिएंट है 64GB और विथ ओनली वाईफाई वाला वेरिएंट है वो 34,900 में आपको मार्केट में मिलेगा। जैसे जैसे आप इसमें GBs ऐड करते जाएंगे इन टर्म्स ऑफ मेमोरी या फिर जैसे जैसे आप वाईफाई और सिम ये दोनों ऑप्शन लेते जाएंगे वैसे उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। So, 34,900 इसकी बेस प्राइस है। इसमें आपको क्या क्या मिलता है? एक तो A12 बायोनिक चिपसेट मिलता है जो बाकी के सारे मार्केट में अवेलेबल एंड्रॉयड टैबलेट्स के मुकाबले काफी पावरफुल है। इसी के साथ साथ एप्पल पेंसिल के साथ कंपैटिबल है ये डिवाइस, लेकिन ध्यान रहे कि एप्पल पेंसिल 1 के साथ यानी ओरिजिनल एप्पल पेंसिल के साथ कंपैटिबल है, मैग्नेटिक एप्पल पेंसिल के साथ कंपैटिबल नहीं है। पर एप्पल पेंसिल इज एन एडेड बोनस टू द आईपैड मिनी, तो मेरे हिसाब से एक पावरफुल डिवाइस जो आपको एक लेट्स से आईपैड प्रो का परफॉर्मेंस दे एक छोटे से टैबलेट में, तो बिल्कुल दिस इज अ डिवाइस दैट यू शुड डेफिनेटली कंसिडर एजुकेशनल पर्पज के लिए या फिर आप एक आर्टिस्ट है और स्केचिंग वगैरह करते हैं तो ऑन द गो आसानी से कर सकते हैं, या फिर बेसिक रीडिंग या मल्टीटास्किंग के लिए भी एक काफी अच्छा गैजेट है द न्यू आईपैड मिनी।